हल्द्वानी में आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन द्वारा नैनीताल रोड स्थित वाल्मीकि पार्क में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन और सत्याग्रह आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम अनारिया ने कहा कि सरकार द्वारा लंबे समय से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मुख्य मांग यह है कि वाल्मीकि तीर्थ स्थल सीतावनी की जमीन को वन विभाग से अलग कर संस्कृति विभाग को सौंपी जाए, साथ ही तीर्थ स्थल की रखरखाव की जिम्मेदारी भावाधस को सौंपी जाए। साथ ही सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 500 रुपये का मानदेय भी तय किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा इनकी 13 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वाल्मीकि समाज द्वारा पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि अभी मैं बता रहा था अपने सारे पत्रकार बंधुओं को कि रामनगर से ऊपर 25 किलोमीटर ऊपर एक वाल्मीकि तीर्थ स्थान है जहां पर भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण की रचना की थी, जहां पर जब रामचंद्र जी ने सीता माता को अपने घर से निकाला था तो वो इसी जगह पर रही थी, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था और यहीं पर रामायण लिखी गई थी। इतने पवित्र स्थान को सरकार ने वहाँ पर ऐसा बेराना करके छोड़ रखा है जैसे कि इस पर कोई किसी का कोई वो ही नहीं है। उसको लेकर हम बरसों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रत्येक 26 अप्रैल को वहाँ पर पूरा देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का वाल्मीकि समाज एकत्र होता है और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की रोडें बनवाई जाएँ, यहाँ पर जो वाल्मीकि भगवान की मूर्ति रखी हुई है खुले में वहाँ पर मंदिर की स्थापना कराई जाए। पिछले दिनों हमने रामनगर में इसको लेकर 3 सितंबर से आरमणनसन शुरू किया था तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस संबंध में तुम्हारी शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाएगी। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार की इस तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है और वो वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रही है।